करे राष्ट्रपति, ऐसी मांग हम लोग करने जा रहे हैं। जो कल तक मीडिया पर बैठकर बीजेपी यहां पर आए हैं, ऐसे मधुवादी सरकार, ऐसे बीजेपी सरकार जिन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, कभी महिलाओं को जो ताकत देनी चाहिए थी वो ताकत देने के खिलाफ हम यहां पर नारा देंगे। फांसी दो, 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 योगी सरकार, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, मुंबई कांग्रेस, मुंबई कांग्रेस, राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी संघर्ष करो, प्रियंका गांधी संघर्ष करो, प्रियंका गांधी संघर्ष करो, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, मुंबई कांग्रेस, मुंबई कांग्रेस, एकनाथ गायकवाड़ संघर्ष करो, भाई जनता संघर्ष। मोर्चा निकाला है कलेक्टर से मिलने के लिए, किस तरह का निवेदन देने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने दो दिन पहले खेरवाड़ी पुलिस थाने में हमने एक निवेदन दिया था कि हम लोग वहाँ पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कोरोना का के आधार पर उन्होंने हम लोगों से कहा था कि 20 से 25 लोगों से ज़्यादा ना पहुँचे, क्योंकि आज पूरा देश में आक्रोश है। पूरे देश में हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि जी को न्याय दिलाने के लिए संपूर्ण देश, चाहे कोई भी संगठन हो, केवल और केवल मनुवादियों का संगठन जो बीजेपी है, आरएसएस है, बजरंग दल है, ऐसे संगठनों को छोड़कर बाकी के सारे संगठन इस बेटी को, इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्योंकि आज एक ऐसा अध्याय लिखा गया इस देश में कि आज तक इतिहास में कहीं भी ऐसी घिनौनी हरकत खुद मुख्यमंत्री द्वारा, खुद डीएम द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जो इतनी घिनौनी हरकत की गई, शायद इतिहास में ऐसी कभी हरकत की नहीं गई। उस लड़की ने अपने प्राण गंवाए, अपने घर वालों से उन्होंने कहा कि मुझे न्याय चाहिए। वो न्याय के बहाने वहाँ के डीएम ने उस बेटी को रात को 8:30 बजे, जबकि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने वो सूर्यास्त के वक्त 8:30 बजे रात को, और सबसे बड़ा घिनौना पाप उन्होंने किया कि परिवार को उस बच्ची की अंतिम शक्ल तक देखने नहीं दी गई और उसे पेट्रोल डालकर जला दिया गया। उसी के साथ साथ आज डीएम आज़ाद घूम रहा है, कार्रवाई के नाम पर उन्होंने वहाँ के एसपी, एसएसपी, जो पुलिस प्रशासन के लोग थे उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन हकीकत में जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी उस शख्स को योगी सरकार और मोदी सरकार, क्योंकि ये लोग बीजेपी तो बोलते ही नहीं हैं, ये लोग तो बोलते हैं योगी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार वो मोदी सरकार, अब की बार उस योगी सरकार ने जो घिनौना पाप इस देश में किया है उसका उनको खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा।
इस देश की जनता को उन्होंने जहां पर लाकर छोड़ दिया है, खासकर दलित, माइनॉरिटी, एससी, ओबीसी, ये सारी समाज को वो लोग हिटलर शाही करके उनको तहस नहस करना चाहते हैं। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भारत रत्न, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, उस संविधान को छेड़छाड़ करने का काम ये सरकार कर रही है। तो आज लोग समझ चुके हैं कि ये जो सरकार, ये मनुवादी सरकार, ये आरएसएस की सरकार, ये बीजेपी की सरकार है, ये यहाँ पर हिटलर शाही करेगी और गरीबों को कोई न्याय नहीं मिलेगा। राजीव भाई, अक्सर महिला का, इस बार महिलाओं का भी एक मांग ऐसी है कि जो वेब सीरीज चल रही है, जो बच्चे लोग देख के, या जो घटना के कारण हो रहे, ये वेब सीरीज को जिसमें गंदे गंदे अश्लील दिखाए जाते, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए ना बोर्ड बना हुआ है, और बोर्ड में कौन बैठे आप लोग सब जानते हो। बोर्ड में वो लोग बैठे हैं जो कल कोई भी मोदी के खिलाफ बोलता है तो वो लोग पूरे साथ में लाके, जैसा अभी आप लोगों ने देखा सुशांत राजपूत के केस में, महाराष्ट्र की और खासकर मुंबई की पुलिस, मुंबई के कमिश्नर ने अपनी सही दिशा में वो उनकी जांच की और उन्हें कहा कि भाई इन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन यही योगी सरकार के, यही मोदी सरकार के लोग, और यही जो आज जो चैनल आज तक जो योगी को बता रहे कि वो उसने काम किया, क्योंकि मीडिया तक को उन्होंने घुसने नहीं दिया, उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस को के ऊपर एक उंगली उठाई और कहा कि महाराष्ट्र की पुलिस किसी को बचा रही है, जबकि कल परसों के एक ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये बताया गया कि भाई वो आत्महत्या थी। इसका मतलब कि केवल और केवल फेकू पने का काम योगी और मोदी कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस दिन से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस हाथरस के कांड को, जो मनीषा वाल्मीकि जी का कांड हुआ, वो तो बहुत बुरा कांड हुआ है, और उसी दिन से प्रियंका राहुल गांधी जी ने एक ये लिया है कि इसको हम न्याय दिलाएंगे। इसके लिए आपने देखा होगा हर पार्टी अब ये मुद्दा बना रही है कि कौन विपक्ष में यूपी में जोरदार है या बीजेपी के सामने कौन टक्कर दे सकता है। मगर आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी को कोई वो राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमको जिसके ऊपर अत्याचार होता है उसको न्याय दिलाना हमारी पार्टी का। आपने देखा होगा हर पार्टी इस मुद्दे को लेकर अब सड़क पर आ रही है। मनीषा वाल्मीकि जी को न्याय मिलना चाहिए और इस तरीके से अन्याय फिर कभी उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए। और योगी सरकार को तो मैं तो कहती हूँ हट जाना चाहिए। और बिचारी मनीषा वाल्मीकि की जो डेथ हुई है, उसने बयान दिया है कि गैंगरेप हुआ है। जब उसने बयान दिया है कि गैंगरेप हुआ है, तब वो लोग को, सारे जन को अरेस्ट करके, मैं तो बोलती हूँ मौत की सज़ा देनी चाहिए और योगीनाथ सरकार को हटा देना चाहिए। जय भीम, जय जय कांग्रेस। देखिए, मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि आज जो हमारे नारियों का अपमान हो रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है। और सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि नारियों का, बेटियों का अपमान होने के बाद वहाँ की जो योगी सरकार है, मोदी सरकार है, वो चुपचाप बैठी हुई है। यहाँ तक कि वो जो पुलिस है वो भी कॉरपोरेट नहीं कर रही है। ये बहुत गलत है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। जब मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था बेटी बचाओ, लेकिन लगता है वो हम लोग को डरा रहे थे कि तुम अपनी बेटी को बचाओ, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम अपनी बेटी की रक्षा खुद करो, हम नहीं करेंगे। इवन योगी सरकार भी ऐसे हैं जो ऐसे गलत लोग का साथ दे रहे हैं। हाथरस में आपने देखा कि वहाँ के जो DM है, उन्होंने भी क्या किया, प्रॉपर जन इंक्वायरी नहीं की, और इस वजह से आज उस बेटी का इतना बड़ा अपमान हुआ। उस लड़की के साथ 15 दिन पहले छेड़छाड़ हुई थी, उसने पुलिस में जाके कंप्लेन किया था, लेकिन पुलिस ने उस लड़की की बिल्कुल मदद नहीं की, इवन उसका FIR भी नहीं लिखा, और उसकी वजह से उसके साथ इतनी बुरी घटना घटी। और सबसे बड़ा दर्दनाक और दुखनीय बात यह है कि आज योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है, जो कि रिपोर्ट में लड़की, जब अंतिम समय में उसका स्टेटमेंट लिया गया था तो उसने कहा था कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ है। तो अगर उसके साथ उसका बलात्कार नहीं हुआ
तो फिर वो चार आरोपियों को क्यों गिरफ्तार किया गया है? योगी सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। और योगी सरकार, मोदी सरकार ऐसा क्या छुपाना चाहती है, क्यों उनके परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया गया और उनको डायरेक्ट चलाया गया, उनको अंतिम दर्शन, जो कि हर चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उसमें अंतिम दर्शन का सबको अधिकार होता है, माता पिता को भी अधिकार होता है। वाल्मीकि समाज के अनुसार जब किसी की डेथ होती है तो उसको हल्दी लगाई जाती है और उसको सम्मान के साथ विदा किया जाता है। उस लड़की का अंतिम हक जो था वो भी छीन लिया गया, उनके माता पिता को उनके दर्शन नहीं करने दिए। और तो और उसको इतनी बुरी तरह से आप समझ सकते हैं कि रात को है ना पेट्रोल डाल के जलाया गया। इससे बड़ा दर्दनाक दुखने घटना क्या हो सकती है? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज समाज में बेटियों को समझाया जाता है कि तुम हमारे खानदान की, हमारे है ना मर्यादा की इज्जत करो, लेकिन अब माँ बाप को अपने बेटों को भी समझाना चाहिए कि उन्हें बहनों की, बेटियों की, सबकी इज्जत करनी चाहिए और मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। मनीषा के साथ साथ और जितनी भी बेटियों के साथ ये अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार को मिटाने के लिए आज हमारे राहुल गांधी जी, जिनको वहाँ गए न्याय मांगने तो उनको पटक के मारा गया, उनका विरोध किया गया, और तो और प्रियंका गांधी को भी, उनको फिर कस्टडी में लिया गया, 2 घंटे के बाद डिटेंशन करने के बाद उनको छोड़ा गया। लेकिन जो कहते हैं सच्चाई की जीत होती है, आज हमारे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मेहनत की वजह से हथरस की बेटी उसको न्याय मिला और परिवारजनों के साथ जाके राहुल गांधी मिले, प्रियंका गांधी मिली, उन्होंने अपना दुख बताया और इस तरह हम अपनी बेटी को न्याय दिलवा के रहेंगे। राहुल गांधी आगे बढ़ो, प्रियंका गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू।